तो भाई पहुंच गए नहर के पास में, पीछे आपको दिख रहा होगा, और जो आवाज़ सुनाई दे रहा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मूड बन गया हम लोग का यहाँ पे आके तरबूज खाने का, क्योंकि बस रूम से निकले हैं तो कुछ अच्छा फ्रेश मिल जाए, मज़ा आ जाएगा क्या। और तरबूज ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जिसकी बात है। नहर के किनारे छोटा सा एक दुकान है, पहले तरबूज खाएंगे और मन किया तो केला भी, मन किया तो केला भी खाएंगे। तीन छोटे छोटे भाई लोग हमारा तरबूज काटेंगे और बस देखते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से आज ज़्यादा धूप नहीं है, गर्मी भी नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। नीचे मत जा। बस निकलने ही वाले थे कि हमें एक जो लेडी डॉग है और उसके चार पांच बच्चे जो हैं वहाँ पे दिखे। तो पंकज को तो आपको पता ही है, मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो डॉग लवर है काफ़ी अच्छा, मुझे भी जानवरों से बहुत प्यार है। तो अभी है पार्लेज ही लिया है, वो उनको खिलाएंगे। यार अंडा मेरे पास आएगा? अंडा हाँ होगा, बॉइल्ड था उसके पास, मैं देख लेता हूँ, ले आता हूँ। कोई पोट होगा उसमें पानी भी दे देते, पानी तो खैर पी लेगी ना ये आसपास। बिस्किट ले गए थे तो जो मदर डॉग है वो इंटरेस्टेड होकर खा नहीं रही है, तो दुकान से सोच रहे हैं कि चार पांच अंडे ले जाते हैं बॉइल्ड, उसको खिलाते हैं, क्योंकि क्योंकि अभी वो फीडिंग कर रही है तो उसको खाने की सख्त ज़रूरत है। और पंकज के रूम से काफ़ी दूर है ये, तो उसको अभी हम ले नहीं जा सकते उनके बच्चों को कहीं पर, या फिर उनको आके रोज़ खिला नहीं सकते, बट थोड़ा सा पार्ट अपना जब आए हैं तो करके जाते हैं। कैसा लगता है? बस सुकून सुकून, आत्मा को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। ये बेजुबान तो मांग नहीं सकते ना, इनको पता नहीं होता कि पैसे लगते हैं सामान हाँ। खरीदने के चलो हमें पता है, आजा कम कम बेबी। भाई पंकज हाँ। एक बात है कि हम अभी कम से कम 8 दिन हो गए जो लास्ट टाइम आए थे तो अंडे खिलाए थे, और ये हमारी स्मेल और हमारे बाइक को पहचान ली। हाँ हम जैसे यहाँ पे आए ना तुरंत बाहर निकल के आगे पूंछ वगैरह हिलाने लगी, क्योंकि इसे पता था कि लास्ट टाइम खिला के गए, और
मतलब इसे ये भी पता था कि शायद ये इस बार आए तो इस बार भी कुछ ना कुछ खिलाएंगे। अच्छा लगता है, करना चाहिए।